बताने जा रहे हैं फ्लफी ऑमलेट। ये देखिए ये एग वाइट है, हमने 5 एग वाइट्स लिए हैं। इनको बहुत फेटा है जब तक कि इसमें ऐसे झाग ना बन जाए। और ये 3 एग योक हैं, इनको भी हमने फेट लिया है। आज मैं फिर से दिखा दूं आपको कैसे फेटेंगे। कैमरा मैन एक मिनट पकड़िए, इनको ऐसे फेटते जाइए। एक ही डायरेक्शन में फेटेंगे तो ज़्यादा अच्छा झाग बनेगा। जितना आप इसको फेटेंगे, जितना इसमें फोम बनेगा, ये उतना ही फ्लफी ऑमलेट होगा। ये देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं। ये अपना एग योक है, इसको भी थोड़ा एक बार फिर से फेट लेते हैं। तो मैंने पेट के रख दिया था। अब पैन लीजिए, एक नॉनस्टिक, अब इसमें आप करीब 1 स्पून बटर, 1/2 को थोड़ा मिक्स कर लीजिए आपस में। इसको मैं कहाँ ऐसे रख दूँ, इसको थोड़ा मिक्स कर लीजिए आपस में अच्छे से। अब इसको धीरे से, आज बिल्कुल ही सिम होनी चाहिए, अच्छे से डाल दीजिए। मैंने एक्चुअली एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, इसलिए उतना अच्छे से मैं कर नहीं पा रही हूँ। और इसको कवर कर दीजिए। इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल जो हमारी फ्लेम है बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, बहुत ही स्लो आंच पे हमें इसे पकाना है। बीच में 2-2.5 मिनट के बाद एक बार आप चेक कर लीजिए कि ये कितना पका है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा बच गया, एक हाथ से एक्चुअली मोबाइल पकड़ रहे हैं तो उतना अच्छे से बन नहीं पा रहा है। अगली बार से मैं मोबाइल के लिए एक मोबाइल स्टैंड ले लूँगी। ये देखिए बारिश होने लगी है, शाम के 5:30 बजे हैं दिल्ली में, लेकिन लग रहा है कि रात के 8-9 बज चुके हैं। इतनी अच्छी बारिश हो रही है और अचानक बहुत ही प्यारा मौसम होने लगा है। ऐसे में गरम गरम फ्लफी ऑमलेट खाने का मज़ा ही अलग आएगा। अब तक देखिए हमारे एग का क्या हाल हुआ है, ऑमलेट का। हाँ ये ओके, ये तकरीबन बन गया है। अब इतना पकड़ो, इसमें थोड़ा सा ऊपर नमक, आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, पर मेरे घर में ब्लैक पेपर थोड़ा लोगों को कम पसंद आता है, इसलिए मैंने वो नहीं डाला है। अब इसको निकालते हैं किसी प्लेट पे। बंद कर दीजिए। इसको हम निकाल लेते हैं धीरे से। फर्स्ट टाइम है मेरा भी, तो मुझे नहीं पता कि कैसा बनेगा, बट
होप अच्छा बने। और ये बन गया आपका फ्लफी ऑमलेट, देखिए पास से बहुत ही मस्त, अंदर से पूरा आई होप अगली बार मैं और अच्छे से आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मेरी पहली बार बना रही हूँ मैं खुद। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। विशाल मेगा मार जा रहा भैया। अब इसको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना फ्लफी है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और खाके मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है। बहुत ही यम्मी है, ट्रस्ट में आप जरूर बनाइएगा और अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। बाय।